नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। एक है कि कैसे यहां पे जो है नियम कानून की थोड़ी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि जो और लोग हैं उनके बारे में उनको दिखाएं, जो और लोग जो है कोई जो जो भी लोग हैं उनके बारे में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कैसे यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है और कुछ लोगों ने जो है जो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसकी व्यवस्था के बारे में भी लोगों ने कुछ लोगों ने हेलमेट भी नहीं लगाए। कई एडवोकेट लोग हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं और कई और भी लोग हैं जो काफ़ी ऐसे ही निकल जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ की जनता है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी सब देखते रहें कि कैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम से खिलवाड़ किया जाता है। और इधर ये कोरोना महामारी जो आई आ रही है और आने की आशंका जो जताई जा रही है तीसरी लहर के बारे में, उसके बारे में भी लोगों को जो है जो यहाँ सुचारू रूप से जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। भैया एक मिनट आपसे मैं बात कराना चाहूँगा ज़रा सा इनसे। एक मिनट भैया, भैया एक मिनट, आप लोगों ने जैसे बिना मास्क के जो है कभी कभी जो है नहीं देख रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों के कैसे जागरूक होगा ये बताएंगे ज़रा। हम यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ भी है तो कोई भी बात होती है तो उसको बताया जाता है कि हाँ भाई जैसे कोरोना महामारी जैसे लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे उसके बारे में हम? क्या सर, अपना जैसा बोले हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए एंड मास्क वास्क लगा के रखना चाहिए। चलिए आप क्या कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क वगैरह यूज करना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कई लोग हेलमेट भी नहीं लगाए हैं और वो भी नहीं लगाए। एक मिनट जरा सर, एक मिनट जरा, आपने हेलमेट भी नहीं लगाया, मास्क भी नहीं लगाया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, अब हमारे लोगों के बारे में थोड़ा सा कि देखिए कोरोना महामारी जो तीसरी लहर है ऐसा कह रहे हैं कि काफ़ी आने वाली है, आपने मास्क भी नहीं लगाया है। मास्क सर हम तो हमारे कहने सर सर एक मिनट जरा सा जो है देखिए ये राजधानी लखनऊ है और राजधानी लखनऊ में आप ऐसे अगर चलेंगे बिना मास्क के तो कैसे हो? सेफ्टी आपके हाथ में, आपको सेव करना चाहिए मास्क। अगर देखिए मास्क जो आने वाली है इसके बारे में बताएंगे जी, थोड़ा सा कुछ बताइए जैसे उसको बोल दो अच्छा है कि बुरा है, क्या है? बुरा है और बेकार है। तो आप जो है इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लोगों ने हेलमेट भी नहीं लगाया, आपने भी नहीं लगाया है। मोदी और योगी मर जाएंगे तो आजाद हो जाएगा। तो आप ही की सुरक्षा के लिए है ना सर? जी, अगर हेलमेट नहीं लगाया तो क्या दिक्कतें जैसे है कि नहीं सर? इसके लिए आप क्या कह सकते हैं बताइए? देखिए अब यहाँ लखनऊ राजधानी है, योगी सरकार है और यहाँ रहती है और योगी जी खुद जो है इसका सुरक्षा पालन वगैरह करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे बताइए? आगे जाके इनसे बात। ठीक है सर, चलिए। सुरक्षा नहीं बरतेंगे तो कैसे? सरकार जो है काफी इसके पर करती है लोगों को कि जा रहे कि तीसरी लहर जी। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम गलत हैं। तो ये राजधानी लखनऊ की ये व्यवस्था देखने में ये आ रही है कि भाई योगी सरकार कैसे यहाँ पे और लोगों को जागरूक करे और कैसे उन लोगों को बारे में बताए, लेकिन लोग बेफिक्र होके घूम रहे हैं। हम कैमरामैन शोएब हसन के साथ गिरजेश जायसवाल, लखनऊ।